बांडीपुरा के मुस्लिम आबाद वार्ड 13 और 17 ए की सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता है, जो कि मिनी सेक्ट्रेट बांडीपुरा से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर वाके हैं। मुकामी रिहायशियों ने सड़कों की बदतर हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की है। शहरियों का कहना है कि बारिशों के दौरान सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। खास तौर पर जब किसी बीमार को अस्पताल ले जाना होता है तो इन्हें कंधों पर उठाकर मुंतकिल करना पड़ रहा है, जो कि एक संगीन मसला बन चुका है। इलाके के लोगों ने बताया कि बांडीपुरा के दूर दराज इलाकों में जदीद सड़कें बनाई गई, मगर मुस्लिम आबाद की सड़कें बदस्तूर खस्ता हालत में है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी इकदाम का मुतालबा किया है, ताकि सड़कों की मरम्मत करके इन्हें बेहतर सफरी सहूलतें फराम की जा सके। मजीद लोगों का रोजनामा वादी कश्मीर से बात करते हुए क्या कुछ कहना था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेश शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा से रोजनामा वादी कश्मीर के लिए मीर आतिफ की ये रिपोर्ट। 2004 से हो गए हमको सफर कर रहे हैं, हम तो बहुत दफा उधर आरएनबी दफ्तर भी गए, डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट किया, वैसे डीसी साहब तो हमारा उसके तक वो बात नहीं पहुंचाते। अब गुजारिश कर रहे हैं डीसी साहब से कम हमारी इस रोड पे कम से कम तवज्जो दे दो। इधर हमारा ये बुजुर्ग है, ये एक दिन बीमार हो गए, फिर हमने ये कंधे पर उठाया, उधर वर्कशॉप पर पहुंचाया, फिर उधर से गाड़ी पर बिठाया। या किसी वक्त भी कोई डिलीवरी किया ऐसे उधर होता है, हमको मुसीबत होता है। फिर उस वक्त इधर को अब मान ये गाड़ी वाला भी कोई नहीं मानता आने के लिए, बोलते नहीं कौन जो है मुस्लिम आबाद यहाँ खार पोरा, वो नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं जो उधर रोड खराब है। हम मुसीबत सफर कर रहे हैं, इधर देखो उधर आठवा तो देखो, ये पानार देखो, ये बाग भोटू ये देखो, उधर देखो कैसे रोड है, हम तो मुसीबत में फंस गए। बीमार पेशाबस डॉक्टर पेशाबस पे घर पे नखस वापस वर्कशॉप हर बन मेन रोड पुर गाड़ गाड़ पो शहर मेहरबानी ये गए पंचे वरी सफर कर हबी बोला बटपोरा तमी तय रोड फल तम पंच वरी अस गए पंच वरी ये बसान मगर सो दो तो यह दिन बस ये रोड फल अस दगह कल क्या थे मगर कहीं कहीं वो अस वो सफर सफर। आपके कैमरा की वसादत से हम यहाँ की बस्ती तकरीबन 30 साल से यहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारा रोड बिल्कुल खस्ता है, आप हजरत ने देखा है, हर बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए जब भी यहाँ कोई गाड़ी आती है तो बहुत मुश्किल होता है, ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं अगर इनका मैकडम नहीं हो पा रहा है, 2-3 साल से पहले हमने कहा इनको अगर आप मैकडम नहीं डालोगे कम अज़ कम हमारा रोड ही पख्ता बना लीजिए। तो हर साल कह रहे हैं अप्रैल में रखा, अप्रैल में रखा, इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। पिछले साल हमने मजदूर लगाए हैं खुद अपने जेब से, हमने फंड यहाँ पे जमा किया, फिर इन नालियों को साफ किया, यहाँ पे पुल बनाया, जो यहाँ आपने भी देखा खस्ता हुआ पुल, इसको हमने अपने हाथों से बनाया, अपने यहाँ पे जमा किया है और फिर ये पुल यहाँ पे बिछा दिया है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी आरएनबी वाले कुछ भी तवज्जो इसकी तरफ नहीं दे रहे। जब भी वहाँ जा रहे हैं बस हमें टाल दिया जा रहा है, कल होगा, परसों होगा, कल होगा, परसों होगा, इस महीने में होगा, दूसरे महीने में, मगर आज तक सिर्फ कागदों के अंबार हमारे पास जमा है मगर रोड की कोई मरम्मत नहीं हो पा रही है। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो यहाँ पर आए, तो पिछले लगभग 12 साल से भी मैं यहाँ रह रहा हूँ और पिछले 12 साल से मैं देख रहा हूँ कि रोड की हालत ऐसी है। काफ़ी मरतबा हमने कोशिश की, डीसी साहब के दफ्तर में गए, आरएनबी के दफ्तर में, बहुत चक्कर काटे, लेकिन अफसोस की बात है कि कभी हमारी प्रॉब्लम उस पर गवर्नमेंट ने गौर नहीं किया। अब बात रही हमें हमसे तमाम म्यूनसिपलिटी की जो फैसिलिटीज़ है वो हमसे ली जाती है, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी वहाँ से प्रोवाइड की नहीं जाती है। तो नतीजा इसका ये पड़ता है कि यहाँ की आबादी जो है, खासकर कसीर आबादी जो है, वो वक्फे वक्फे से परेशान होती आ रही है। यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम जो है वो भी खस्ता हाल हो चुका है और कोई भी गाड़ी वाला हो या सुमो वाला हो या ऑटो वाला हो वो इस रोड से चलने से कासर रहता है, क्योंकि यही कह के वो हमसे माजरत चाहता है कि यहाँ के रोड्स जो है वो ठीक नहीं है और यहाँ हमें प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ की कसीर आबादी जो है वो बार बार परेशान होती है। तो इसलिए हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ ये सुतलीमा का सलूक छोड़ दिया जाए और आरएनबी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाए और एक मौके पर ही एक टीम भेजी जाए कि वो यहाँ के जायज़ा लें कि
लोगों की मांग जो है वो सही है या गलत है,